यदि आप जीवन बचाना चाहते हो तो समझिएगा, जीवन बचाना है तो तीन चीजों को बचाना पड़ेगा। यदि तीन चीज आप बचा पाए तो समझना आपने जीवन बचा लिया, और यदि ये तीन चीज हम नहीं बचा पाए तो समझना हम जीवन नहीं बचा पाए। जीवन बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां लिखा गया कि बार बार ये मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होता, बार बार ये मानव भव मिलता नहीं, बार बार ये जीवन मिलता नहीं, बार बार ये जन्म मिलता नहीं, और यदि मिला है तो निश्चित तौर पर उसे बचाना। कहा कि जीवन में यदि तीन चीजों को बचा लिया जाए तो पूरा जीवन बचाया जा सकता है। कहा नंबर वन, जीवन को बचाना है तो आंखों को बचाना पड़ेगा। आप देखिएगा, आप सोचिएगा, आपके जीवन में जितने भी पापों का प्रवेश होता है वो आंखों से ही होता है। आप किसी का अच्छा घर देखते हो, आपको होता है कि मेरे पास भी ऐसा घर हो। आप किसी का अच्छा फर्नीचर देखते हो, आपके मन में होता है कि मेरे पास भी ऐसा फर्नीचर हो। आप किसी की अच्छी कार देखते हो, आपके मन में भाव जगते हैं कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो। आप कोई रूपवती स्त्री को देखते हो, आपके मन में भाव जगते हैं कि मेरे पास भी ऐसी कोई रूपवती स्त्री हो। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि समझ लेना, जीवन को बचाना है तो सबसे पहले नंबर में आंखों को बचाना पड़ेगा। जिसको आंखों को कंट्रोल करना आ गया वो अपने जीवन को बचा सकता है, और जिसकी आंखें बेकाबू है, उनके कंट्रोल में नहीं है, वो कहीं भी जाती है, कुछ भी देखती है, समझ लेना उसका जीवन नरक बनते देर नहीं लगती। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आंखों को बचा लेना, यही आंख है। और शास्त्रकार भगवत ने बड़ा सुंदर उपाय बताया, कहा कि आंखों को बचाना है तो आंखों को प्रभु दर्शन में जोड़ दे। प्रभु के दर्शन जितना करते जाएगा उतना तेरे आंखों में से विकार वासना कम होती जाएगी, उतनी तेरी आंखों में से राग द्वेष की भावना कम होती जाएगी। आप देखना एक बार, कोई व्यक्ति के ऊपर राग हो तो भी आंखों से पता चलता है, और कोई व्यक्ति के ऊपर द्वेष हो तो भी आंखों से ही पता चलता है। आपके हृदय में से किसी के प्रति प्रेम बरस रहा है उसका पता कैसे चलता है? उसका पता भी आंखों से ही चलता है। और आपके हृदय में से किसी के प्रति द्वेष की भावना जग रही है उसका पता भी आंखों से ही चलता है। और इसीलिए कहा गया कि आंख ये दरवाजा है, ये द्वार है। जिस तरह से घर का दरवाजा यदि बंद कर दिया जाए तो घर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, इसी तरह से यदि आंखों को बंद कर दी जाए तो संसार से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। संसार से डिस्कनेक्ट होने का एक ही रास्ता है, हमारी आंखें। और आंखों को जिसने संभाल लिया, आंखों का जिसने ध्यान रख लिया, आंखों को जिसने बचा लिया, समझ लो इसने जीवन बचा लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंखों को यदि बचाना है तो निश्चित तौर पर आंखों को प्रभु दर्शन में जोड़ दो, यही आंख है। ये कोई स्त्री का भी दर्शन कर सकती है, कोई पर पुरुष का भी दर्शन कर सकती है, और परमात्मा का भी दर्शन कर सकती है, यही आंख है। कोई खराब चीजों को भी देख सकती है, कोई अच्छी चीजों को भी देख सकती है, यही आंख है। ये आंख वासना से युक्त भी हो सकती है, और यही आंख भक्ति से युक्त भी हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन को बचाना है, और जीवन को बचाना है तो निश्चित तौर पर हमारी आंखों को बचाना होगा। आप गौर करिएगा अपनी आंखों के ऊपर कि आंखें ज्यादातर कहां जाती है, आंखें ज्यादातर क्या देखना चाहती है, अच्छा देखना चाहती है या बुरा देखना चाहती है, आंखें ज्यादातर कहां घूमती है, अच्छी जगह पे घूमती है या बुरी जगह पे घूमती है। हमारी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि समझिएगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपको दुनिया कैसे दिखाई पड़ेगी, जैसी आपकी आंख होगी वैसी दिखाई पड़ेगी। कोई संत रास्ते से निकलता है उसको अलग दुनिया दिखाई पड़ती है, कोई सज्जन रास्ते से निकलता है उसको अलग दुनिया दिखाई पड़ती है, कोई दुर्जन रास्ते से निकलता है उसको अलग दुनिया दिखाई पड़ती है, कोई चोर रास्ते से निकलता है उसको अलग दुनिया दिखाई पड़ती है, कोई पॉलिटिशियन रास्ते से निकलता है उसको अलग दुनिया दिखाई पड़ती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बराबर समझ लेना, दुनिया कैसी है जैसी हमारी आंखें हैं। दुनिया में अच्छाइयां भी है, दुनिया में बुराइयां भी है, लेकिन हमारी आंखें जैसी होगी वैसा हमको दिखाई पड़ेगा, वहीं पर हमारा ध्यान जाएगा। आप कभी गौर करिएगा, भूखा आदमी यदि रास्ते से निकल रहा हो तो उसका ध्यान, उसको लगेगा कि सारी जगह खाने की चीजें ही मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है,
और पेट भरा हुआ आदमी शायद रास्ते से निकलता हो तो उसका ध्यान भी ना पड़े कि खाने की कोई दुकान आई या ना आई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, याद रखिएगा। ये आंख दरवाजा है, उसको यदि बंद करना आ गया तो समझना जीवन जीना आ जाएगा, समझना भीतर में जाना आ जाएगा। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि भीतर में जाना हो तो आंख रूपी दरवाजा बंद करना पड़ता है। जीवन को बचाना है तो सबसे पहले नंबर में आंखों को बचाओ। और आंखों को भी कैसे बचाया जा सकता है, प्रभु दर्शन में आंखों को जोड़ दो, आंखें बच जाएगी। आप बोलिए ना, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्यवाद। किसको दिया गया? संसार में हजारों आंखें हैं, लाखों नहीं करोड़ों आंखें हैं संसार में, लेकिन धन्य दृष्टि किसको कही गई? जो परमात्मा के दर्शन करे वही तो धन्य है, जो साधु संतों के दर्शन करे वही तो धन्य है। इसलिए हमारे यहां लिखा गया साधु नाम दर्शनम पुण्यम। कहा कि दर्शन कैसे होते? आंखों से होते हैं। जो दृष्टि प्रभु दर्शन करे वह दृष्टि को भी धन्य है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, अर्थात यह है कि दृष्टि को यदि सही मार्ग पर जोड़ दिया जाए तो जीवन को बचाया जा सकता है। आंखों को बचाना सबसे पहले नंबर में जरूरी है। कहां दूसरे नंबर में जीवन को बचाना है तो तीन चीजों को बचाना पड़ेगा। नंबर वन, आंखों को बचाना पड़ेगा। नंबर टू, जीभ को बचाना पड़ेगा। बड़ी खतरनाक चीज है, यदि इसको संभालना ना आए तो जीवन नरक बन जाता है। ये जीव की ताकत है कि आपको लोक पूज्य बना दे, ये ताकत भी ये जीव के पास है, ये जीवा के पास है। और आपको लोक निंद्य बना दे, ये ताकत भी ये जीवा के पास है। लोग आपकी पूजा करें, लोग आकर के आपके चरण पकड़ ले, लोग आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर ले, आपके सामने आकर के झुक जाए, ये ताकत भी ये जीव के अंदर है, जीवा के अंदर है। और लोग आपके सामने देखना भी पसंद न करे, लोग आपको गालियां दे, ये ताकत भी ये जीव के अंदर है। इसलिए जीव को संभालना है, जीवा को संभालना बड़ा जरूरी है। और मैं तो कहता हूं संसार में जितने भी विवाद है, चाहे परिवार का हो, चाहे संघ का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे शहर का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे पूरे संसार का हो, संसार में जितने भी विवाद है उसका शुभारंभ कहीं ना कहीं ये जीवा से ही होता है। आप सोचिएगा, गौर करिएगा, घर भले ही 2, 5, 10 साल के बाद में टूटा हो, लेकिन उसका प्रारंभ कहीं ना कहीं ये जीव की वजह से हुआ हो। परिवार भले ही थोड़े समय के बाद में विभाजित हुआ हो, लेकिन उसका रीजन कहीं ना कहीं जीव रही होगी। और इसीलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि समझिएगा कि सालों पहले महाभारत हुआ उसमें भी ये जीव ही कारण थी, और आज भी घर घर में महाभारत होता है उसमें भी कारण और कोई नहीं, आपकी जीवा आपकी जीव ही है। जीव को बचाना है। का जीवन को बचाना है तो तीन चीजों को बचाना पड़ेगा। यदि आप ये तीन चीजों को बचा सकते हो तो ही आपका जीवन बचेगा, अन्यथा ना बचेगा। ध्यान रखिएगा, जीव को बचाना है तो जीव को प्रभु स्तवन में जोड़ दो। प्रभु की स्तवना, जब भी समय मिले, जब भी समय हो, जब भी सुविधा हो, प्रभु का स्तवन करते रहे, गुनगुनाए, गाए। क्या मिलना है? किसी की निंदा करके क्या प्राप्त होना है? किसी को गाली देके क्या मिलना है? किसी की अपप्रशंसा करके क्या मिलना है? किसी की अवमान या अपमान करके हमें क्या प्राप्त होना है? कुछ भी तो नहीं मिलना। उसके बदले यही जीवा को, यही जीव को यदि प्रभु स्तवना में जोड़ दिया जाए तो यही जीव आपका आत्म कल्याण कर सकती है, समझ लेना। ये जीवा का उपयोग दो तरीके से हो सकता है। इससे हम किसी की निंदा भी कर सकते हैं, इससे हम किसी के दुर्गुण के गुणगान भी कर सकते हैं, इसके हम किसी से दुर्गुण भी गा सकते हैं, इससे हम किसी का अपमान भी कर सकते हैं, इससे हम किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, इससे हम किसी के दिल को दुख भी पहुंचा सकते हैं, इससे हम किसी के हृदय को चोट भी पहुंचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और यही जीव है, इससे हम प्रभु की स्तवना भी कर सकते हैं, इससे हम प्रभु की स्तुति भी कर सकते हैं, इससे हम प्रभु के सामने जाकर के हमारे पापों का इकरार भी कर सकते हैं। यही जीव है। यदि निंदा वाले मार्ग पे चले गए ना तो यही जीव आपको नरक में भेज देगी, और यदि स्तवना वाले मार्ग पर चले गए ना तो यही जीव आपको स्वर्ग के अंदर भेज देगी। ये ताकत जीव के भीतर है। जीव को जोड़ दो प्रभु स्तवना में।
आपको कुछ भी नहीं आता, नमस्कार महामंत्र का गान करते रहो, बोलते रहो, जब भी समय मिले, जब भी टाइम मिले, आपको सुविधा हो, नमस्कार महामंत्र बोलते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, ये नमस्कार महामंत्र कुछ भी नहीं आता आपको, ना कोई मंत्र आता है आपको, ना कोई स्तवन आता है, ना आपको कोई स्तुति आती है, ना आपको कोई भक्ति गीत आता है, ना आपको कुछ बोलना आता है, ना आपको परमात्मा की संवेदना आती है। मैं कह रहा हूं जब भी समय मिले, पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो, नमस्कार महामंत्र गाते रहो, गुनगुनाते रहो। अरे और कुछ नहीं है, जिन शासन के नमस्कार मंत्र में इतनी ताकत है कि रात दिन यदि इसका भी स्मरण करते रहो ना तो भी बेड़ा पार हो जाए, इसको भी गाते रहो, इसको भी बोलते रहो तो भी बेड़ा पार हो जाए, ऐसा अद्भुत ये नमस्कार महामंत्र है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीव को गलत दिशा में मत जाने, जीवन को बचाना है तो तीन चीजों को बचाना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में क्या बचाना पड़ेगा? आंखें बचानी पड़ेगी। दूसरे नंबर में जीव को बचाना पड़ेगा। और तीसरे नंबर में मन को बचाना पड़ेगा। जितनी परेशानी है संसार में मन की तो है और किसकी है? जितनी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में मन खड़ी करता है उतना और कोई नहीं करता। जितना परेशान हमको मन करता है उतना और कोई नहीं करता। जितनी जीवन में असुविधा मन पैदा करता है उतना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहा कि मन को बचाना पड़ेगा। आंखें यदि आपको बचानी है तो आंखों को प्रभु दर्शन में जोड़ दो, जीव आपको यदि बचानी है तो जीव को प्रभु स्तवन में जोड़ दो, और मन यदि आपको बचाना है तो मन को प्रभु स्मरण में जोड़ दो। रात दिन क्या विचार चलते रहे? सच कहना, रात दिन आपके मन में विचार क्या चलते हैं? क्या थॉट्स आते हैं आपको? क्या विचार में आप अपना जीवन बिताते हो? क्या विचार आपको रात दिन आपके मन में घेरे रहते हैं? एक बार सोचना कि जीवन में विचार कौन से आते हैं। प्रभु का स्मरण कितना 24 घंटे में से? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में 24 मिनट भी ऐसी है हमारे पास जो प्रभु के स्मरण में जाती हो। 24 घंटे हमारे पास हर रोज प्रतिदिन हमें प्राप्त होते हैं, ये 24 घंटे में 24 मिनट भी हमारे पास ऐसी नहीं है जो प्रभु के स्मरण में जाती हो। जो 24 मिनट मात्र और मात्र प्रभु ही याद आते हो, मात्र और मात्र प्रभु का ही स्मरण होता हो। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में ध्यान रखना, जीवन को बचाना है तो तीन चीजों को निश्चित बचाना पड़ेगा। आंखें बचानी पड़ेगी, और आंखें यदि बचानी है तो आंखों को कहां जोड़ना है? कहां जोड़ना है? प्रभु दर्शन में जोड़ना है। जीव को यदि बचानी है तो जीव को कहां जोड़ना है? प्रभु स्तवन में जोड़ना है। और मन को यदि बचाना है तो मन को कहां जोड़ना है? प्रभु स्मरण में जोड़ना है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।